आज राजधानी भोपाल के गांधी भवन में अखिल भारतीय तुलसी साहित्य सम्मान समारोह 2022 का संपन्न हुआ और वहां पर अनेक साहित्यकार सम्मिलित रहे और उनमें से 19 लोगों को तुलसी साहित्य सम्मान किया गया और 18 लोगों को रत्नावली सम्मान से नवाजा गया। ये तुलसी साहित्य संस्कार के अध्यक्ष मोहनलाल तिवारी ने बताया, बड़ी खुशी हुई जब ये पता चला कि हमारे हिंदी साहित्यकार बनी हुई चीज को भी और सरल रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। जगह जगह से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारत से लोग पधारे तुलसी साहित्य सम्मान में और अपना सम्मान दिया। आशा की जाती है कि आने वाले समय में दोनों भाई भाई एक साथ रहेंगे, खेलेंगे और देश का विकास करेंगे। भोपाल से आरती ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलसी साहित्य अकादमी, तुलसी साहित्य अकादमी अपना 22वां अखिल भारतीय साहित्यकार सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित कर रहा है। इसमें देश के लगभग 12 राज्यों के प्रतिनिधि अभी यहाँ पर हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इसके साहित्यकार यहाँ पर हैं। इसमें 3 प्रकार के सम्मान हैं। पहला सम्मान है तुलसी शिखर सम्मान और दूसरा रत्नावली शिखर सम्मान। उसके बाद हैं कुछ हमारे साहित्यकार साथियों ने अपने परिजनों की स्मृति में स्मृति सम्मान ये हैं चालू, और उनमें 6 साहित्यकारों को सम्मानित किया जाएगा। तुलसी शिखर सम्मान में 2 साहित्यकार हैं, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिनकी सर्वोत्कृष्ट लेखन पाया गया, डॉक्टर विनय पाठक जी और बिलासपुर से हैं और छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के अध्यक्ष रहे हैं वो, और विकलांगों के लिए पूरे हिंदुस्तान में उनकी संस्था निःशुल्क सहायता काम चलाती है, वो हमारे बीच में है। ओपी श्रीवास्तव जी जो अभी आबकारी कमिश्नर हैं, उनने रामायण पर बहुत काम किया है और उसकी वजह से उनके लेखन आलेखों के आधार पर उनका चयन हुआ। एक विदुषी हैं कुलतार कौर कक्कड़ जी, उनको रत्नावली शिखर सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। बाकी तुलसी सम्मानों में जो पूरे देश से आई प्रविष्टियों के आधार पर चयनित साहित्यकार हैं, तो 21 साहित्यकारों को तुलसी सम्मान और 18 विदुषी महिलाओं को रत्नावली सम्मान से आज सम्मानित किया जाएगा। ये हमारा आज का पूरा कार्यक्रम है।